अध्यक्ष महोदय, इस सीमा में रहते हुए हम उनसे हमेशा मिलते हैं, बातचीत करते हैं और यथासंभव अधिक से अधिक सद्भावपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि अखबारों में हमारे विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए खबरें आदि छपती हैं कि हम निरंकुश हैं, तानाशाह हैं आदि। ये आरोप सच्चाई से इतनी दूर हैं कि उनसे हमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जो चीज़ मुझे परेशान करती है वह यह है कि जब लोग इस बारे में सच्चाई की इतनी ज़्यादा उपेक्षा करते हैं तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वे अन्य मामलों में सही मूल्यांकन हमें दे सकेंगे। महोदय, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का क्रियान्वयन करने से आंचलिक भाषाओं को प्राधान्य मिल गया। आंचल की आर्थिक, पारंपरिक तथा सामाजिक पहचान को प्रोत्साहित करने में राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा अन्य बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं अपना योगदान दे रही हैं। इसके साथ साथ आंचलिक भाषा के विकास के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना अति आवश्यक है। यह विकास कार्य राज्य तथा आंचल में काफ़ी हद तक उभर चुका है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद इन सभी भाषाओं में समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जाए, जो समन्वय राष्ट्रीय अखंडता के लिए अनेकता में एकता का माध्यम बन सके। राज्य तथा आंचलों को आर्थिक, सामाजिक तथा भाषा की स्वतंत्रता मिलने से इन क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत विकास हुआ है, जिसकी पराकाष्ठा क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य, रंगमंच तथा फिल्मों के माध्यम से हो रही है। श्री अरविंद के शब्दों में, प्रादेशिक जातियों की इस समस्त रचना में बाह्य रूपों के अनेक भेदों के बीच एक ही संस्कृति का प्रभुत्व दृष्टिगोचर होता है, परंतु उनमें से प्रत्येक अपनी विशिष्ट चरित्र और स्वभाव की धार के अनुसार ही सृजन करती है और यह चीज़ इन सुंदर और ओजस्वी साहित्य में से प्रत्येक पर भिन्न भिन्न छाप लगा देती है, जो एकता में ही समृद्ध विविधता का स्रोत है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति जितने अच्छे तरीके से अपनी मातृभाषा में कर सकता है, उतनी अन्य भाषा में नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत एक अखंड राष्ट्र है, फिर इसमें विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का समन्वय कैसे किया जाए, जिसमें प्रत्येक देशवासी को यह अनुभव हो सके कि हम भिन्न भिन्न आंचलिक भाषाओं के बोलने वाले एक ही माला में पिरोए हुए मोती हैं, हमारी अपनी पारंपरिक पहचान भी रहे तथा इसके साथ ही हम सभी एक ही विशाल तरु पर रहने वाले भिन्न भिन्न बोलियों में बोलने वाले पक्षियों की भांति प्रेम से रहें।